जोजो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हारी उस रीता जैसी नहीं हूँ जिसको सप्लाई करके तुम अपनी जिंदगी ऐश की जी रहे हो। मैं जैसी भी हूँ, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये सड़ा सा फोन, ये मामूली सी ड्रेस, रोज ट्रेन और बसों में धक्के खाना, तुम इसे लाइफ कहती हो? क्या दिया तुम्हारे बाप ने तुम्हें? जोजो प्लीज, मेरे पापा के बारे में कुछ भी मत बोलना। मेरे पापा जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। एनीवेज, तुम्हें अगर मेरी बात समझ में आए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। मिस्टर प्रसाद, लड़की रेडी हो गई है। सुना है तुम्हें यहां आने में 6 महीने लग गए। तुम यहां क्या कर रहे हो? आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। तो निकालिए पैसे और शुरू करिए अपनी बिजनेस मीटिंग। शट अप, अपने बाप से इस तरह बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए? आप जो पैसा बाहर में खर्च करते हैं ना, वो पैसा अगर घर में खर्च किए होते तो आज मेरी एजुकेशन पूरी हो चुकी होती और मेरी माँ का इलाज म्युनिसिपल हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक अच्छे हॉस्पिटल में हो रहा होता। और मुझे भी छोटे मोटे शौक के लिए भटकना नहीं पड़ता। आज मैं इस जगह पे हूं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। मैं आज के बाद ऐसी कोई गिरवी हरकत नहीं करूंगा। आई प्रोमिस यू। बट आई प्रोमिस यू स्टूडेंट, आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ यही काम करूंगी। बाप